नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। जैसे जैसे विधानसभा 2022 के चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है, वैसे वैसे ही सभी पार्टी के कद्दावर नेता अपनी अपनी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश जनपद अयोध्या के ब्लॉक बीकापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत काजी सराय बनौली में देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर मेहताब खान के नेतृत्व में समाजवादी जन संपर्क एवं विचार गोष्ठी का एक कार्यक्रम सराय भनौली ग्राम पंचायत में रखा गया था। इस कार्यक्रम में आबिद रजा खान सपा सरकार में रहे पूर्व मंत्री बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राघवेंद्र प्रताप उर्फ अनूप सिंह ने फूल मालाओं से किया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, गगन भेदी नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। ब्यूरो रिपोर्ट। सचिव जी, आज आपके द्वारा जो है काजी सराय बाजार में एक जनसंपर्क और विचार गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसकी रूपरेखा क्या थी, इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग आए थे और इस कार्यक्रम का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ जो आज उत्तर प्रदेश में ये योगी सरकार की सत्ता शासन को देखते हुए हमारे अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें आबिद रजा खान साहब बरेली से चलकर हमारे यहाँ फैजाबाद के सराय भनौली में शिरकत किए और अनूप सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह भी शिरकत किए। और ख़ासकर ये प्रोग्राम हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए रखा गया था, जो कि आज का ये कार्यक्रम बड़ा सफलतापूर्वक और बहुत ही सफल रहा। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में जो है पूरा 351 से ऊपर की सीटें जिता करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर पेश करना है। और जड़ से भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ये योगी राज जो चल रहा है, गुंडा राज, इसको जड़ से खत्म करके उत्तर प्रदेश से फेंक देना है। जी, अपना नाम और पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर मेहताब अहमद खान, सराय भनौली, तहसील बीकापुर, डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद, अयोध्या, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि इस कार्यक्रम में और कौन कौन लोगों की भागीदारी थी, ये और कौन कौन कार्यकर्ता थे इसमें? इसमें हमारे अभी भी वो भी एक नियुक्ति की गई है, प्रदेश सचिव अरशद आलम जी मोनू, जो कि पहले पिछले वर्ष वो समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव थे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, और अब की बार वो फिर उनको पदोन्नत की गई है, प्रदेश सचिव वो भी बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही मेहनती और जुझारू, बंटी खान दौलतपुर, बड़े ही नौजुवा और जुझारू नेता हैं, जो कि दिलो जान से लगे हुए हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप जी के लिए और अनूप भैया के लिए। वैसे तो अब की बार पूरा बीकापुर विधानसभा के हर समुदाय के लोग उनके लिए पूरी तरह से दिलो जान से लगे हुए हैं, और ऊपर वाला जो चाहेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर उनको मैदान में उतार देते हैं तो वो विधायक बन करके सबके सामने आएंगे, और इससे जनकल्याण।